गला सूख क्या यार? पानी में पानी पानी नहीं हुई क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई है। दुकान लगा दें गेमिंग माउस की अंडर 500 करते हैं फिर शुरू। तो पहले अपना रेड गियर A10 माउस, तो एक हाथ अपना माउस, एक अपनी यूजर मैनुअल और एक अपना फुल सपोर्ट। ज्यादा ही हो गया। यहाँ से पूरी एकदम मैट फिनिश मिलती है हमको। ये अपना स्क्रॉल व्हील और यहाँ पर DPI को एडजस्ट करने का बटन। मैक्सिमम 2400 DPI तक जा सकता है ये वाला माउस। और जितने भी माउस अंडर 500 आते हैं इन सब में तुम्हें पोलिंग रेट 125 हर्ट्ज का ही मिलेगा, तो इसमें भी उतना ही है। और वेट है इसका कुछ 90 ग्राम के आसपास, मतलब हल्का है। और 100 ग्राम से कम रहे तो अच्छा ही रहता है, लंबे समय तक यूज करोगे दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये व्हाइट वाले पूरे पार्ट पर अपनी RGB चमकती है। यहाँ पर रेड गियर की ब्रांडिंग, तो एक लेफ्ट राइट का बटन मिलता है इसमें और यहाँ पर कोई साइड बटन हमें नहीं मिलता। पीछे से भी बिल्कुल प्लास्टिक का है और वैसे तो नॉर्मल वाली केबल है, बट इस पे लाइंस वाला पैटर्न बना हुआ है। केबल क्वालिटी अच्छी मान सकते हो तुम। एंड इसकी केबल की लेंथ भी काफी ज्यादा बड़ी लगी मेरे को, मतलब 1.8 मीटर के आसपास कंपनी क्लेम कर रही है। तो मैंने नापा नहीं, बट हाँ लंबी काफी है। बिल्ड क्वालिटी सही लगी मेरे को, मतलब इस प्राइस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हिलाने में थोड़ा बहुत आवाज करता है इसका स्क्रॉल व्हील, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीजें इसमें है, तो ऑब्वियसली यार सस्ता भी था ना फिर। तो कुछ 250 रुपीज के आसपास का प्राइसिंग इसका भी चल रहा है, तो फीचर्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं इसमें। और मैंने इसे जितना भी भाई टेस्ट किया नॉर्मल काम वगैरह करके, गेमिंग वेमिंग करके, तो उस हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। डेफिनेटली मतलब नॉर्मल टाइप के तुम्हारे सारे काम निकल जाएंगे। एंड हाँ, गेमिंग वाली फील भी ये देता है क्योंकि भाई RGB के नशे इसमें पूरे हैं। तो ये था अपनी लिस्ट का सबसे चीपेस्ट माउस। अब धीरे-धीरे रेट को बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट है भाई अपना क्वांटम स्नाइप 2.0 और मॉडल नंबर बड़ा अजीब है इसका। ओहो, पुस्तकें, काफी सारी पुस्तकें भाई। सबसे पहले CD देख लो इसकी। इंटरनेट के जमाने में CD का क्या ही काम है वैसे, है ना? कहीं में गिर गई, टूटी नहीं लेकिन दो बार घेर दिया। बाकी तुम्हें CD की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। एक छोटी सी यूजर मैनुअल जिसमें बहुत सारी डिटेल है। फाइनली अपना माउस। ओहो, साइज देख रहे हो इसके माउस का, ऑलमोस्ट मेरे हाथ पे फिट हो रहा है। और मेरा हाथ मतलब बड़ा है यार। और एक ये हैप्पी और अनहैप्पी वाला कार्ड मिलता है, दोनों तरीके का फीडबैक दे सकते हो। तो कुछ ऐसा अपना माउस है। यहाँ पर पूरी एकदम शाइनी शाइनी सा सरफेस है। ये दिखने में मेटल लग रहा होगा बट ये है प्लास्टिक का पूरा पार्ट। नीचे की साइड में मेटल मिलता है देखने को डेफिनेटली। ओवरऑल ये प्लास्टिक बिल्ड है बस इस वाली प्लेट को छोड़ के। बाकी यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट पर बटन मिल जाते हैं, बीच में एक स्क्रोल व्हील मिलता है और ये अपना DPI वाला बटन। एंड यहाँ पर भी एक व्हील जैसा कुछ बना हुआ है लेफ्ट और राइट साइड पे, सिर्फ शोश आए कुछ है नहीं इसमें, लाइट लुइट चमकाएगा बस। और फुली RGB नहीं है, इन्होंने लिख रखा है RGB, बट इसके अंदर सिर्फ तीन कलर मिलते हैं, रेड ब्लू और बैंगनी, मतलब पर्पल बैंगनी पर्पल। और इसके अंदर हमें ब्रेडेड वायर देखने को मिलती है रेड और ब्लैक कलर की। एंड केबल की लेंथ भी काफी बड़ी है, 1.5 मीटर के आसपास। एंड अगर बिल्ड की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफी ज्यादा सॉलिड लगी मेरे को इस वाले माउस की। एंड इसका वेट है कुछ 100 ग्राम के आसपास। ये मतलब ऐसा है कि दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ा और बल्कि सा लगता है, लेकिन जब हम इसे टेबल पे यूज करते हैं ना तो ये भाई बहुत लाइट वेट सा फील होता है। पता नहीं मतलब ऐसा क्या कर रखा है इन्होंने, बट ऐसे घुमाने में ये हल्का फुल्का लगता है। और फीचर्स की बात करें तो ये वाला माउस मैक्सिमम 3200 DPI तक जा सकता है। लाइटें वाइटें तो इसमें मिली जाती है मस्त मस्त। और एक सबसे अगली चीज की इसके जो बटन हैं भाई प्रोग्रामेबल है, तो इसके अंदर तुम्हें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलता है जिसके अंदर मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर काफी सारी चीजें। और मैक्रो की वगैरह भी सेट हो जाती है, तो ये बहुत ही सही चीज है। मतलब 300 रुपीज के अंदर ये मिलता है और इस बजट के अंदर इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत सही लगा मेरे को। एंड जितना मैंने इसे यूज करा मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था, तो डेफिनेटली मतलब काम वगैरह करने में इसमें कोई दिक्कत फेस नहीं होगी तुम्हें। तो ओवरऑल ये भी एक बढ़िया माउस लगा मेरे को। नेक्स्ट अपना एंटी स्पोर्ट्स का GM200W। कोड वर्ड वाले नाम कहां से लाते हो यार? ओहो, माल मसाला है भाई इसमें भी। लो भाई कूपन स्कैन मार लो। एक छोटी सी यूजर मैनुअल और एक वेलकम कार्ड और एक अपना माउस। तो पहली लुक में दिख गया होगा कि बिल्कुल मैट फिनिश में आता है। यहाँ पर अपनी वर्ल्ड ऑफ वारशिप की ब्रांडिंग। यहाँ अपने दो बटन्स मिलते हैं DPI वाले और ये अपना स्क्रॉल व्हील, ये लेफ्ट राइट बटन्स। और दो एक्स्ट्रा बटन्स हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। और बाकी RGB फुल इसके अंदर मिलती है, तो चमकती दमकती रहती है वो भी। और इसमें भी हमें ब्रेडेड वायर मिलती है, तो डेफिनेटली क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। पहले अनबॉक्स करो फिर बॉक्स करो। एंड इसकी भी काफी अच्छी लेंथ है, 1.5 मीटर के आसपास। बिल्कुल सेम क्वांटम जैसी वायर लग रही है इसकी, सेम दोनों ने मिलके चिपकाई है एक साथ। बाकी माउस की क्वालिटी काफी ज्यादा सही है, बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को बहुत सही लगी। पूरा एकदम प्लास्टिक बिल्ड है, इसमें कोई मेटल वेटल नहीं है। पर ये जो हल्की हल्की पैडिंग मिलती है ना इसमें, टेबल पर जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो जाएगा काफी ज्यादा। एंड इसका वेट भी कुछ 90 ग्राम के आसपास है। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो ये वाला माउस भी मैक्सिमम 3200 DPI तक जा सकता है। बाकी ओवरऑल माउस मेरे को बहुत सही लगा जितना मैंने इसे यूज करा। मतलब मैंने ना थोड़ा थोड़ा सारे माउस को ट्राई किया है, तो मतलब अगर तुम इसके साथ भी गेमिंग शेमिंग कुछ भी काम वाम करते हो तो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा तुम्हें इसके साथ भी। मैंने ढूंढ के ऐसे निकाले माउस सारे चौके।
कुछ 400 रुपीज के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अमेजोन पे मेंशन है कि इसके बटन जो है वो प्रोग्रामेबल है, पता नहीं भाई कैसे होंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर इसका मैंने देखा था वेबसाइट पे जाके, सॉफ्टवेयर इसके अंदर हमें नहीं मिलता। वो भाई एंटी स्पोर्ट्स वाले जाने उनकी माया, हमें तो समझ आया नहीं। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना भाई। बाकी ओवरऑल माउस में कोई कमी नहीं है, डेफिनेटली 400 रुपीज का जो इसका प्राइस है ना जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट अपना ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब क्लैश, क्लैश क्लैश ऑफ क्लैंस खेला तुमने? साइड में इसके कुछ फीचर छाप दिए, बस एक माउस और कुछ नहीं, कोई पुस्तक बाजी नहीं, सीधा माउस। तो कुछ ऐसा भाई अपना माउस बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर के अंदर आता है और यहाँ पर आग का गोला फेंक रहा है ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग। यहाँ पर हमें प्लास्टिक की ग्रिप देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हमें बटन वगैरह मिलते हैं और ये DPI का बटन और ये अपना स्क्रोल व्हील है। एंड यहाँ पर भी हमें 2 एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाते हैं और नीचे से भी बिल्कुल एकदम प्लास्टिक का है। एंड भाई सेम दूसरे माउस की तरह कुछ यूनिक नहीं है इसमें। बाकी ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मेरे को पता नहीं खरीदते वक्त बड़ा यूनिक सा लगा था, तो मैंने सोचा यार देखते मंगा के कैसा है, असलियत मंगाने के बाद पता चलती है। तो इसके अंदर भी हमें नॉर्मल केबल मिलती है, ब्रेडेड नहीं है, बट इसकी क्वालिटी भी मतलब वैसी ही है सेम जैसी अपनी रेड गियर की थी, क्वालिटी अच्छी है। एंड इसकी भी 1.8 मीटर के आसपास की लेंथ है। वेट की बात करें तो इसका भी कुछ 92 ग्राम 90 ग्राम के आसपास का ही वेट है। और अगर फीचर्स की बात करें तो मैक्सिमम 3600 DPI तक ये चला जाता है और डिजाइन तुम्हारे सामने है। बाकी बिल्ड की बात करें तो प्लास्टिक है तो वही नॉर्मल सी बिल्ड क्वालिटी मिलती है जैसी हमें और माउस के अंदर है, लेकिन मेरे को ना एंटी स्पोर्ट्स की बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर लगी। बाकी वैसे माउस की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो सिमिलर सा एक्सपीरियंस मिलेगा बिल्कुल जैसा दूसरे माउस के साथ मुझे मिला। बट हाँ इसके अंदर मैं एक चीज कहूंगा कि अगर ये 300 या 400 रुपीस के आसपास मिलता है तो ये वर्थ इट है, बट अगर उससे ज्यादा महंगा मिलता है तो इसे मत लेना क्योंकि अभी इसका प्राइस 500 रुपीस के आसपास चल रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसके लिए वर्थ इट है क्योंकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी हमें नहीं मिलता, तो वो तुम देख लेना। बाकी वैसे ओवरऑल माउस अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं लगेगी। तो अपना आखिरी और सबसे महंगा चूहा माउस, ये तो काफी पॉपुलर है, तुमने सुना भी होगा इसके बारे में। वाह यार कुछ नहीं है, खाली माउस है भाई, पूरा कागज बचाया जा रहा है। तो ये है अपना रेड गियर A15 माउस। पूरी अपनी प्लास्टिक फिनिश मिलती है इसके अंदर और यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट बटन, ये अपना स्क्रोल व्हील, ये DPI के बटन और यहाँ लेफ्ट साइड पर भी हमें 2 एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलते हैं इसके अंदर। बाकी भाई पूरी जाली वाली दे रखी है इसके अंदर, लाइट बहुत तगड़ी आएंगी इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर हमें डुअल RGB मिलती है और रात को अगर तुम इसे देखोगे मतलब अंधेरे में पूरी भाई सब वाइब आ जाएगी तुम्हें सेटअप के अंदर। बाकी नीचे से प्लास्टिक है एंड यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगी हुई है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है और यहाँ पर भी थोड़ी सी पैडिंग हमें दे रखी है। बाकी माउस की बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सही लगी मेरे को, प्लास्टिक का मटेरियल बहुत सही है, बिल्कुल एकदम हार्ड प्लास्टिक है और इसका वेट है कुछ 95 ग्राम के आसपास, तो 4-5 ग्राम ही ज्यादा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी फिर भी। और इसके साथ भी हमें ब्रेडेड वायर मिलती है, बट इसकी जो वायर की क्वालिटी है ना भाई पूरी रस्सा है मतलब, और कुछ 1.8 मीटर के आसपास इसकी भी लेंथ तुम्हें मिल जाएगी फुल भाई, लंबी बहुत लंबी है यार ये, कहीं भी ले जाओ इसे। फीचर्स की बात करें तो मैक्सिमम 6400 DPI तक ये चला जाता है एंड इसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है जिसके अंदर काफी सारी कस्टमाइजेशन तुम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसके सॉफ्टवेयर का लिंक दे देंगे, डाउनलोड करो मजे लो। ओवरऑल एक प्रीमियम माउस है, डेफिनेटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और अभी कुछ इसका प्राइस चल रहा है 500 रुपीज के आसपास, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस माउस को अगर तुम्हारा इतना बजट है। और जितना मैंने इसे यूज किया मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सही था, गेमिंग वेमिंग में डेफिनेटली मस्त वाली फील आ जाएगी तुम्हें और सब में आएगी वो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गेमिंग माउस है ना। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है ये मत पूछना क्योंकि वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि भाई मेरे को ये सारे ही बढ़िया लगे जब भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए। तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लगा तो वो मुझे कमेंट में एक बार बता सकते हो, और अगर ये वाले माउस को यूज कर रहा है तो अपना फीडबैक वगैरह भी शेयर कर देना कमेंट में, दूसरे लोगों को हेल्प हो जाएगी। खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो और अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे ऑल। हम मिलेंगे ऐसी किसी फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।